अचानक प्रोग्राम बना, बीच में हम लोगों ने सुना जरूर था कि उनकी इच्छा है, लेकिन हम लोग को जानकारी थी कि शायद बाय रोड ही लौटेंगे या हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। अचानक भोजन लेते हुए पता चला कि नहीं, जल्दी गाड़ी में बैठिए तो ट्रेन में आज जाना है। सर, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं क्या? कुछ ना, ये उनकी एक विशेषता है, उनमें एक गहरी जिज्ञासा है जानकारी हासिल करने का। वास्तु स्थिति क्या है, मैदान में स्थिति क्या है, ग्राउंड में स्थिति क्या है। मैंने पिछले 10-15 साल में ये महसूस किया कि जानने की बड़ी उनकी तीव्र मंशा रहती है। हर चीज के बारे में पूछते हैं, इसमें कैसा है, इसमें आपकी क्या राय है, लोग क्या कहते हैं, और जब मौका मिलता है तो लोगों से मिलके वही जानना और पूछना चाहते हैं कि क्या स्थिति है। हम अखबारों में पढ़ते हैं, हम टीवी में देखते हैं, नेताओं से सुनते हैं, जनप्रतिनिधि बताते हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, ये उनमें एक गहराई से मैंने देखा कि बैठी हुई बात है, वो दिख रहा है। जहां बिलासपुर को एड्रेस करते हुए बहुत सारे मुद्दों पर फार्मर पे बोला और बहुत सारे मुद्दों पे बोला, वहीं पे आज मोदी जी एड्रेस करते हुए एक सभा को बोलते हैं कि कांग्रेस इज बिल्डिंग ग्लोरिफाइंग स्पेसिफिक फैमिली। ये कोई स्पेसिफिक फैमिली नहीं हो सकती। लोग अगर ना चुने तो प्रजातंत्र में कोई वैल्यू किसी की नहीं है। अंततः एक ही परिवार होता है, वो लोगों का होता है। मतदाता जिसको चुनते हैं, जिसको अपनाते हैं, वो ही फैमिली होती है। बाकी घर की फैमिली होती है, उसका कोई मायने पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं होता। एक और कमेंट आया था, पॉलिसी से लेके इवेंट तक जो लोग मैनेज कर रहे हैं वो नक्सल समर्थक, वो नक्सल समर्थक, कोई तुकी नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं है, सर पैर नहीं।